नॉलेज वाला पूरा सिस्टम में जाने का है। अब टीम सर्वे तुम्हारा भी आएगा, वीडियो तुम्हारा वीडियो भी आएगा भाई। अभी पूरा छोड़ देगा थोड़ा ये हमें। सर हाँ सर वो फोटो में दिखता है नहीं है। उधर से मैं उठा के ना खिड़की से ले लिया उसको, एसी वाले होल से खाली ले ले और कुछ काम नहीं। सर्वे टीम तोड़ना क्या है उसको, तो थोड़ा उठा देने से। हाँ बिल्कुल 5% नहीं, और दोबारा उठाने का जरूरत नहीं। तो रोड टेस्ट तो लिखा है 48 मंथ चलता है। एक लॉन्ग ट्रेवल का ट्रायल चल रहा है। देखिए CRD की तरह रिवर्स ले लो। ये टेस्टिंग में रिवर्स में जा रही गाड़ी। टेस्टिंग कमिश्निंग OEM के थ्रू पहले ही हो चुका था, अभी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एंड लोड टेस्ट चल रहा है। 90-10 गैंट्री क्रेन का, सभी गैंट्री क्रेन में सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाया गया है लॉन्ग ट्रेवल का। देखिए CRD कितना स्पीड में चल रहा है। टेस्टिंग कमिश्निंग चल रहा है, NTPI के लिए भी प्रोसेस चालू है। रिफ्लेक्शन टेस्ट करने के लिए हम लोग फिर अभी इसको डाउन कर रहा है, लिफ्टिंग मटेरियल को डाउन करके क्रेन का गटर पे कितना डिफ्लेक्शन है वो चेक करेंगे। चेक करके TPI से हम लोग को फाइनलाइजेशन मिलेगा कि अगर इसका डिफ्लेक्शन अलाउबल डिफ्लेक्शन है 25 mm हो गया, उसके नीचे ही रहना है। कंक्रीट हो रहा है एज पर सर्वे रिपोर्ट डिफ्लेक्शन नहीं लगता है।
का 10.5 जो अलाउबल है, हमारा अलाउबल 25 है, बट हमको डिफ्लेक्शन हुआ है स्क्रीन में एक्चुअल 13 है एंड इट इज एक्सेप्टेबल टू TPI. थैंक्स फॉर दिस टोटल प्राइसेस ऑफ TPI. Whoever saying this, this is technical knowledge sharing to all PNM related person. सभी क्रेंस को हम TPI ऐसे ही करते हैं, कहीं पे प्लेटफॉर्म बना के काउंटर वेट बना के लोड देते हैं. हमारे पास वो सुविधा नहीं होने की वजह से हम स्टील उठा के TPI करवाते हैं. एज पर सेफ्टी नाउ ओके एंड नाउ वी कैन यूज द ट्रेन फॉर मेन वर्क. थैंक्स टू ऑल फॉर seeing this video. Please share this knowledge to all related to PNM person. Thanks.